गांव में मोहन नाम का लकड़हारा रहता था। वो गरीबी से बड़ा परेशान था। वो हमेशा सोचता था कि अपने गरीब माँ बाप को सुखी रखने के लिए कुछ नया काम करना जरूरी है। यही विचार मन में लिए वह जंगल में घूम रहा था कि उसने सामने से कुछ सिपाही आते हुए देखे। सिपाही को देखकर वह रुक गया। सिपाही ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मोहन ने ऐसा प्रकट किया जैसे उसने सिपाहियों की बात ही नहीं सुनी हो। इस पर सिपाही को क्रोध आ गया और वो कड़क कर मोहन से बोला, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मार डालूंगा। मोहन बोला, क्यों, मैं क्यों भागूं? क्या तुम मुझसे अधिक बहादुर हो? तुम मुझसे लड़कर देख लो। वे बोले, हम किसी ऐसे बहादुर की तलाश में हैं जो उन दो राक्षसों को मार सके जिन्होंने राज्य भर में उपद्रव मचा रखा है। राजा ने घोषणा करवा दी है कि जो व्यक्ति इन राक्षसों को मार डालेगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। चलिए हमारे साथ चलिए, हम आपको अपने राजा के पास ले चलेंगे। मोहन सिपाहियों के साथ राजा के पास चल पड़ा। राजा मोहन को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, यदि तुम उन राक्षसों को मार डालोगे तो राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया जाएगा और आधा राज्य भी तुम्हें दे दिया जाएगा। यह सुनकर मोहन खुश हो गया। अपनी गरीबी मिटाने का एक अच्छा मार्ग मिल गया, ऐसा सोचने लगा। राजा को नमस्कार कर वह जंगल में जाने निकला। राक्षस को कैसे मारा जाए वह यही सोचता जा रहा था कि उसने अपनी चुटकी बजाते हुए कहा, हा, चिंता नहीं, मार ली बाजी। अब उसने अपने जेब में कुछ पत्थर भर लिए और उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया जिसके नीचे वे दोनों राक्षस सो रहे थे। थोड़ी देर बाद मौका देखकर उसने एक पत्थर लिया और उस राक्षस के ऊपर दे मारा। पत्थर लगते ही वो हड़बड़ाकर उठ गया और अपने साथी को बोला, क्यों तंग करते हो, सोने दो ना। थोड़ी देर बाद मोहन ने फिर से एक पत्थर जेब से निकाला और इस बार दूसरे राक्षस के ऊपर दे मारा। दूसरा राक्षस हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने पहले राक्षस को झलझोल कर कहा, तंग क्यों कर रहे हो, तंग तुम कर रहे हो या मैं? ये सुनकर दूसरे राक्षस को गुस्सा आ गया। अच्छा बताओ, वो पत्थर तुमने क्यों मारा है? वाह, पत्थर तो तुमने मारा है और कहते हो कि पत्थर मैंने मारा है। बातों ही बातों में बात बढ़ गई और दोनों एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों लहूलुहान होकर गिर पड़े और मर गए। अब मोहन पेड़ से नीचे उतरा। उसके खुशी का ठिकाना न रहा। वो दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो, मैंने उन दोनों राक्षसों को मार डाला है, और कोई सेवा बताइए। महाराज बोले, शाबाश, तुमने वाकई बहादुरी का काम किया है। अब हम राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे और अपना आधा राज्य भी तुम्हें सौंप देंगे। और फिर राजा ने अपने पुत्री का विवाह मोहन के साथ करके अपने वचन का पालन किया। मोहन की किस्मत जाग उठी थी। अब वह एक अमीर आदमी और राजा का दामाद था।